अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख रहे हैं pkadmissions.com और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी का मेरिट कैलकुलेटर आपने उसको किस तरह फाइंड करना है और कौन सी वेबसाइट पर आपने जाकर उसको फाइंड करना है। और ए लेवल और जो से मैट्रिक और FSC वाले हैं वो दोनों उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया pkadmissions को, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी वीडियोज़ आपको एजुकेशन के मतलब देखने को मिलेंगी जो आपको और चैनल या वेबसाइट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। तो ये हमारा pkadmissions 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत खुशी है आपकी वजह से हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये हमारी वेबसाइट pkadmissions.com, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी की डिटेल हासिल करनी है, मेरिट कैलकुलेटर भी रिव्यू करती हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में आपने डिटेल हासिल करनी है कि उसकी क्लोजिंग डेट क्या है और उसकी बाकी सोशल मीडिया लिंक्स और उसके फ़ोन नंबर वगैरह आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ओपन हो जाएगी और डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। PU यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट 00 शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेट गुजर चुकी है। अपडेट कर देंगे इस यूनिवर्सिटी इस साल की भी हम अपडेट कर देंगे जल्दी। तो यहाँ पे आपको एड्रेस, एक्रेडिशन, अदर कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं, इसके सोशल मीडिया लिंक्स, डिटेल, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। और सेकेंड भी हमारे पास है एग्रीगेट कैलकुलेटर प्यास का। तो यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की जो जो क्राइटेरिया गिवन है उनका मेरिट कैलकुलेटर फाइंड करने का, यहाँ पे आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं प्यास यूनिवर्सिटी को। अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपके पास नहीं अवेलेबल। तो ये हमारे पास मेरिट कैलकुलेटर ऑफ प्यास। तो क्राइटेरिया भी गिवन है, FSC वालों के लिए अलग क्राइटेरिया, ए लेवल वालों के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया भी गिवन है, अगर आप क्राइटेरिया देखना चाहते हैं क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं कि किस क्राइटेरिया के बिना पे ये वाला कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके देगा। बहुत सी वेबसाइट आप मैंने देखी है कि वो क्राइटेरिया गिवन ही नहीं करती, डायरेक्ट कैलकुलेटर अवेलेबल है उनके पास और कोई पता नहीं लगता कि वो किस तरह आपको कैलकुलेट करके दे रही हैं। तो हमारे पास ये FSC वालों के लिए ये ए लेवल वालों के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ए लेवल वालों के लिए भी आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल FSC वाले 950 मार्क्स हैं और 1100 हैं और पार्ट वन 550 ऑब्टेन मार्क्स, मैट्रिक में 950 हैं और 1100 में से हैं। प्यास ऑब्टेन मार्क्स, प्यास का एंट्री टेस्ट मुझे पता नहीं है कितने नंबरों का, जितने भी नंबरों का होगा ये खुद ही आपको कैलकुलेट कर देगा। एंट्री टेस्ट 60% ले लेगा ए लेवल और FSC वालों के लिए, मतलब आपका 100 का है तो 100 में से 60% ले लेगा, अगर आपका 400 का है तो 400 में से 60% ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 का है तो हम यहाँ पे 80 लिखते हैं एंट्री टेस्ट में और टोटल हमारे पास है 100, तो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका एग्रीगेट 83% आ जाएगा यहाँ पर विद इन अ सेकेंड आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट वेटेज है प्यास के टेस्ट के, हाँ आई थिंक 100 का ही होगा, 100 MCQs है तो 100 का ही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वेटेज भी गिवन है, क्राइटेरिया भी गिवन है FSC वालों के लिए और ए लेवल वालों के लिए। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके कमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे उसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कमेंट्स को रेगुलरली देखता रहता हूँ तो यूट्यूब पर इस तरह रेगुलरली नहीं देख होते। तो अगर आप यहाँ पर आकर कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन अ डे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई चैनल अच्छा लगा है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।